वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ पढ़ लो बहन ऑन धूलीज क्लासरूम। ये है पार्ट नंबर 2 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ओके, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली थी मिरर रिलेटेड वर्ड्स की, जैसे कि पोल है, फिर फिर नेक्स्ट हम लोग मतलब और भी कुछ डेफिनेशंस है, ख़त्म तो हो गया नहीं। मतलब ऐसा कभी हो सकता है क्या कि फिजिक्स लाइट चैप्टर में थोड़ा सा हो कि ख़त्म हो गया? नहीं ना, तो बस ठीक उसी तरह। फिर ये और डेफिनेशंस हैं, यहाँ पे मैंने नोट करके रखी है। उसका फर्स्ट डेफिनेशन है अपर्चर, अपर्चर। ठीक है, अपर्चर का मतलब क्या? साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अब उसका मतलब क्या हुआ? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अपर्चर का मतलब क्या है। ये चलेगा? हाँ चलेगा। देखो, सबसे पहले ये हमने एक नहीं बनाया है। देखो, ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर भी बोल सकते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर लेते हैं। इसका आउटर कवरिंग है, इसका आउटर सरफेस है सिल्वर कोटेड से, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये जो पूरे मिरर की जो ये लेंथ है, साइज है, उसे हम लोग अपर्चर बोलते हैं, इन शॉर्ट एपी। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो, अपर्चर। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आता है प्रिंसिपल फोकस। अभी इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। इसका मतलब क्या हो? देखो, सबसे पहले हमने वही वाला मिरर लिया, इसका आउटर सरफेस है सिल्वर कोटेड वाला। फिर हमने, पता है, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक लाइन होती है, ये सबसे पहले तो ये पोल है, ये जो डॉट मैंने बनाया बढ़ाया वाला, वो पोल है, लॉलीपॉप नहीं है, पोल है। और यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इन शॉर्ट डी सी बोलते हैं। मतलब कि ये पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है, मतलब ये जो मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट था उसका सेंटर, ये वाला। ओके, तो उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अभी यहाँ पे हमें बोला कि अगर प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन, देखो सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई मतलब कोई भी लाइन इससे, अगर हमने ऐसे कुछ पैरेलल लाइंस बना दिए, ठीक है, पैरेलल लाइंस किससे? ये वाले इससे, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो सेंटर और पोल के बीच में से पास होता है। ओके, अभी ये लाइंस तो पैरेलल होगी, तो जब भी वो कन्वर्ज होके वापस आएगी, ये वाली लाइंस ऐसे, फिर ये होगी ऐसे, ये वाली वापस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये जो कन्वर्जिंग है वो जिस पॉइंट पे मीट होगा उसे हम लोग एफ बोलते हैं, इन शॉर्ट। और फुल फॉर्म की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस, ये वाला। ओके, प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वर ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज। अब डाइवर्ज कहाँ से है? देखो, ये तो कॉनकेव मिरर है। अभी अगर ऐसा मिरर हो कॉनवेक्स, जिसकी ये साइड कोटिंग हो सिल्वर कोटिंग, ओके, ये वाली साइड अगर सिल्वर कोटिंग हो, हाँ, तो अगर ये वाला फॉर एग्जांपल है, वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ना, मतलब ये हमें पता है कि ये है ना ऐसे स्फीयर बनेगा। मतलब देखो, ये है ना, अगर इसको ज़्यादा ऐसे स्फीयर बना दिया जाए तो कुछ ऐसे स्फीयर बनेगा, तो उसका सेंटर तो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे थोड़ी ना आएगा, तो यहाँ पे जो सेंटर है, मतलब कि कॉनवेक्स मिरर में मिरर के बिहाइंड सेंटर होता है, कॉनकेव मिरर में हमारी ये वाले वर्ल्ड में, मतलब रियल वर्ल्ड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बिहाइंड मिरर के किस में, कॉन्वेक्स मिरर में। ये हो गया सी, ये हो गया पी, और अगर कोई भी लाइंस, ये वाली लाइंस के प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी लाइंस पैरेलल होगी, तो अगर इस मतलब वो मिरर की बहन की ना बात करें, वो कुछ ऐसी होगी, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ये गलती होगी, वो वहाँ पे नहीं मीट होगी। देखो, अगर ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ यहाँ पे, मतलब अगर ये लाइन, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक होगी, तो वो पहले तो कन्वर्ज होगी, ठीक है, ये कन्वर्ज हुई, मतलब पॉइंट, ये जो लाइन थी यहाँ से गई, यहाँ से आई, ऐसे यहाँ से गई, यहाँ से आई, ठीक है। तो अगर उस पॉइंट, उस लाइन्स को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, जो पॉइंट पे ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जो पॉइंट पे वो मीट होगी, वो होगा एफ, फोकल लेंथ, इसकी जैसे ही है, लेकिन ये बिहाइंड द मिरर होगा, ये जो पूरा है ना वो बिहाइंड द मिरर होगा, और ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा।
नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. पोल और फोकस वो याद रखना. पोल यहाँ पे क्या है, ये वाला पोल, ये रहा पोल. और फोकस क्या है, ये वाला फोकस. तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये अप्रोक्सीमेट ये इतनी डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की. फोकल लेंथ, सॉरी प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस ही फोकस पॉइंट. फोकस पॉइंट मतलब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, उससे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं. इन शॉर्ट FL, फोकल लेंथ. ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होगा. ये रहा पोल, ये रहा फोकस, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी FL, फोकल लेंथ. ओके, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे. स्पेशल रेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, मतलब ऐसे कुछ टाइप के रेज भी होते हैं. रेज, एक मिनट, हाँ ठीक है, कुछ टाइप के ऐसे रेज भी होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं जिससे डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन होता है. सबसे पहला कंडीशन क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस याद रखना. देखो ये सबसे पहले तो ना पूरा मिटा देती हूँ, इतना ही मिटता, ये बहुत प्रॉब्लम है बड़ी वाली. हाँ चलो इसे रफ करते हैं, उसको बहुत टाइम लगता है. पूजा भैया इट्स ओके, इतना चलेगा. देखो अभी हम लोग कहाँ पे थे, डेफिनेशन पे मैं तो बोल गई. ले ऑफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना देते. ये प्रिंसिपल, ये मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेट कोटिंग है, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है एफ. ओके, तो जो लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, ऐसी ये वाली लाइंस, ये लीटियां, ये लाइन जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस फ्रॉम फोकस. मतलब कि अगर वो कॉनकेव मिरर है तो वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर फोकस पे, अगर हम लोग उसको ऐसे ज़्यादा एक्सटेंड करें तो वो फोकस पे जाके रुकेगी. मतलब फोकस पे उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा. और अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करें, ना कॉनवेक्स, ये कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर, और ये भी ये कॉनवेक्स मिरर है. तो इन दोनों में फ़र्क ही क्या रहा, कोई बात नहीं, हम समझ लोगे. देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनवेक्स मिरर है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस. अभी अगर हम लोग उसके पैरेलल दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक ही हो जाए भाई, चलेगा. और ये है हमारी दूसरी लाइन. ओके, तो अगर हम इसको ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, ज़्यादा लंबा करेंगे, तो अगर इस साइड देखें तो वो ऐसे कन्वर्ज होगी, और अगर मिरर के इस साइड देखें तो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होगी. यहाँ पे कन्वर्ज है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर ये वाले पॉइंट पे विच इज एफ, यहाँ पे कन्वर्ज होगी, ये है सी, यहाँ पे कन्वर्ज होगी. और अगर मिरर के इन फ्रंट ऑफ द मिरर की बात करें तो वो डाइवर्जिंग लाइन होगी. देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे गई, यहाँ पे आई, यहाँ पे गई. ओके, फिर अभी नेक्स्ट है हमारा, टाइम देख लो पहले. ओके, अभी हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, तो चलो फटाफट से कर ले. एक काम करते हैं, याद रखना ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्लिक हियर, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी द नेक्स्ट वीडियो क्लिक देयर. सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.